वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं इंडियाज ओनली पॉडकास्ट डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफर पे जहाँ किस्से हैं, कहानियाँ हैं और कुछ कानूनी पहलू भी, एंड इन सब के लिए दिस लॉ एंड बिहोल्ड। चौदह अक्टूबर 1998, भारतीय सेना की 74th आर्मर्ड रेजिमेंट के सवार किशोर कुमार यादव को अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था। इस कारण से उनकी बीवी घर पे अकेली थी। उन्होंने दरख्वास्त की अपने पड़ोसी जो उनके जस्ट ऊपर रहते थे कि जो आपका 10 साल का बेटा है बिट्टू, उसको आज रात के लिए कृपया हमारे घर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पति हॉस्पिटल में हैं, रात में अकेले रहना ठीक नहीं है, बिट्टू रहेगा थोड़ी मदद हो जाएगी। 14 अक्टूबर 1998 की रात बिट्टू घर में आता है। रात को अचानक से एक शोर सुनाई देता है। सवार किशोर कुमार यादव की बीवी, जिनका नाम सुदेश था, उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कोई बॉटल टॉयलेट में टूटी और उन्हें किसी आदमी के चलने की परछाई नज़र आती है। वो देखती हैं कि उस आदमी ने एक लाइट कलर की स्लीवलेस बनियान पहन रखी और एक अच्छा पहन रखा है और वो टॉयलेट में से निकल रहा है। वो आदमी लॉबी की लाइट्स ऑफ कर देता है, टॉयलेट्स की लाइट ऑफ कर देता है। सुदेश बिट्टू को जगाती है। इस बीच वो आदमी बेडरूम के दरवाजे की तरफ आता है और बीच में खड़ा हो जाता है। वो देख सकती थी कि आदमी बेडरूम के पास खड़ा है। वह आदमी लाइट ऑफ करता है और बेडरूम के अंदर आ जाता है। बिट्टू उस आदमी को देखते ही चिल्लाता है, कोई आदमी है। और इसके बाद सुदेश जी भी चिल्लाती हैं। इसके बाद वह आदमी घर से बाहर भाग जाता है। भागते भागते बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। सुदेश और बिट्टू की आवाज़ बिट्टू की माँ मिथिलेश सुनती हैं। वह ऊपर से चिल्लाती हैं कि क्या हुआ। बिट्टू जवाब देता है कि घर में कोई आया था। इसके बाद घर के बाहर एक हुजूम खड़ा हो जाता है और सारे लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। कुछ लोग टॉयलेट में आके भी देखते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार वो शख्स अंदर घुसा कैसे। उस हुजूम में सुदेश जी देखती हैं कि वहाँ मौजूद थे लांस नायक ए हुसैन, हवलदार के ठकरन, नायक रमेश यादव और बहुत सारे लोग। उन्हीं के बीच में से वह उंगली से इशारा करती हैं और बोलती हैं, यही आदमी था। उनका इशारा होता है दफादार करतार सिंह की तरफ और वह कहती हैं कि यही आदमी घर में घुसा है। अगले दिन 2 बजे रिश्तेदार प्रीतम सिंह को सवार किशोर कुमार यादव के घर भेजा जाता है घटना की जांच करने के लिए। वह जाते हैं, सुदेश जी से सारी डिटेल्स लेते हैं, टॉयलेट को इंस्पेक्ट करते हैं, उस खिड़की को इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उस खिड़की का लोअर पोर्शन टूटा हुआ है। खिड़की का फ्रेम टूटा हुआ है, उसका लोअर पोर्शन किनारे में एक जगह गिरा पड़ा है नाली के पास। उसको ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि वो हाल फिलहाल ही टूट तोड़ा गया है। टॉयलेट के अंदर उन्हें एक एसिड की टूटी हुई बॉटल भी मिलती है। रिश्तेदार प्रीतम सिंह इसके बाद बुलाते हैं ऑफिशियल फोटोग्राफर को, जो कि मौके की फ़ोटो खींचता है। दफादार करतार सिंह की भी फ़ोटो खींचता है। दफादार करतार सिंह के राइट हैंड के ऊपरी पोर्शन में कुछ चोटें लगी हुई थी। इसके बाद की जाती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन जिस पर ये चार्ज लगा होता है कि श्रीमती सुदेश के घर दफादार करतार सिंह रात को घुसे थे। 8 विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये पाती है कि दफादार करतार सिंह रात को घर में घुसे थे, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाती है कि उनका घर में घुसने का इंटेंशन क्या था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिकमेंड करती है डिसिप्लिनरी एक्शन करतार सिंह के खिलाफ। इसके बाद करतार सिंह की जाती है मेडिकल जाँच, जिसे करते हैं कैप्टन CP पटेल, एक आर्मी के डॉक्टर, जो देखते हैं कि उनके राइट हैंड के ऊपर वाले पोर्शन में कुछ अब्रेशंस हैं जो कि 3 से 4 दिन पुराने थे।
एविडेंस की समरी रिकॉर्ड की जाती है दफादार करतार सिंह के सामने आर्मी रूल्स के मुताबिक, और एक चार्जशीट रखी जाती है जिसमें करतार सिंह पर आरोप लगता है कि उन्होंने सेक्शन 69 ऑफ द आर्मी एक्ट और सेक्शन 456 ऑफ द इंडियन पिनल कोड का उल्लंघन किया गया है और इस बात के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए। GOC 15 इन्फेंट्री डिवीजन करतार सिंह के खिलाफ मुकदमे की इजाज़त देते हैं और इसके बाद चलता है करतार सिंह के ऊपर समरी कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल होता है आर्मी एक्ट के सेक्शन 120 के अकॉर्डिंग। कमांडिंग ऑफिसर 74 आर्मर्ड रेजिमेंट समरी कोर्ट मार्शल कंडक्ट करते हैं 11 अगस्त 1999 से लेके 10 नवंबर 1999 के बीच में। करतार सिंह कोर्ट मार्शल में कहते हैं कि वो दोषी नहीं है। 6 विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है। श्रीमती सुदेश आती हैं, पूरा इंसिडेंट नरेट करती हैं और वो बोलती हैं कि दफादार करतार सिंह ही उनके घर में रात में घुसे थे टॉयलेट की विंडो से। इसके बाद मास्टर बिट्टू, जिनकी उम्र 9-10 साल के बीच होती है, वो सुदेश जी के पूरे बयान को कॉरोबरेट करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बोला गया था कि सुदेश जी के घर में चले जाइएगा, रात को वो अकेली हैं, उनके पति अस्पताल में हैं। वो सुदेश के घर तकरीबन 8 बजे पहुँचे, कुछ देर बातचीत की और फिर सो गए, लेकिन बेडरूम, बाथरूम और लॉबी की लाइट ऑन ही थी। बिट्टू को अचानक से सुदेश ने ही जगाया था जब उन्होंने देखा कि लाइट ऑफ हो गई है। सुदेश और बिट्टू ये समझ सकते थे कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। वह चिल्लाए थे कि कोई घर में घुस चुका है। ये सुनते ही उनकी माँ भी ऊपर से चिल्लाई थी कि क्या हुआ। उन्होंने भी ऊंची आवाज़ में जवाब दिया कि कोई घर में है। इसके बाद दो तीन लोग आए और इसके बाद घर के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। हुजूम के खाली हो जाने के बाद सुदेश ने वह रात बिट्टू और उसकी माँ के साथ उनके घर पर ही गुजारी थी। लांस नायक ए हुसैन उन कुछ लोग में से थे जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँचे थे। उन्हें विटनेस नंबर 1 के रूप में कोर्ट मार्शल में लाया गया। उन्होंने कहा कि वह दफादार करतार सिंह को जानते हैं और वह उसी ब्लॉक में रहते थे जो कि सवार किशोर कुमार यादव के घर के पीछे थी। उन्होंने कहा कि उस रात उनके कान में दर्द था, वह सो नहीं पा रहे थे, बिस्तर में लेटे हुए थे। उन्हें एक लड़के की चीखने की आवाज़ आई तकरीबन रात को 11 बजे। उन्होंने एक तलवार निकाली और बाहर चले आए। उन्होंने चीखें सुनी सुदेश और बिट्टू की कि कोई मदद करो। ये सुनते ही वह सवार किशोर कुमार यादव के घर के मेन गेट पर पहुँचे। मेन गेट को उन्होंने अपनी तलवार से धक्का दिया, लेकिन क्योंकि वह अकेले थे, घर में अकेले नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। हवलदार मेजर ओम प्रकाश, जो कि उसी ब्लॉक में रहते थे, वो भी उस मौके पर पहुँचे। वह दोनों घर में घुसे, उन्होंने लाइट ऑन की और देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सुदेश और बिट्टू को बहुत डरी हुई हालत में देखा। उनको सुदेश ने यह बताया कि घर में कोई आदमी घुसा हुआ था, उसने अपने आप को बेडशीट में लपेटा हुआ था और वो पहचान नहीं सकती थी कि वो कौन था। इसके बाद सुदेश ने जब बाहर हुजूम खड़ा था उसमें से दफादार करतार सिंह को आइडेंटिफाई किया और कहा था कि यही आदमी था। लांस नायक के हुसैन ने कटघरे में एक और बात कही कि उस मौके पर हवलदार के ठकरन और दफादार करतार सिंह के बीच में एक झड़प भी हुई थी और जिसके कारण दफादार करतार सिंह के हाथ में चोट भी लगी थी। लांस नायक हुसैन ने टॉयलेट का भी मुआयना किया था और देखा था कि विंडो हटाई गई है। उन्हें एक स्पेसिफिक खुशबू मिली सुदेश जी के घर से, वैसी ही खुशबू दफादार करतार सिंह के शरीर से भी आ रही थी। अगली विटनेस थी मिथिलेश, बिट्टू की मां मिथिलेश। उन्होंने कहा कि वो ठीक एक घर ऊपर रहती हैं सवार किशोर कुमार यादव के। उन्होंने सुना कि उनका बेटा चिल्लाया तकरीबन रात को 11 बजे 14 अक्टूबर 1998 को। उन्होंने भी मदद के लिए गुहार लगाई। उसके साथ ही पास ही के घर वाले जैसे लांस नायक के हुसैन, हवलदार के ठकरन, उनकी वाइफ सुनील देवी, नायक रमेश यादव, दफादार करतार सिंह और दफादार करतार सिंह की बीवी कल्पना सुदेश के घर के पास जमा हो गए थे। इसके बाद एग्जामिन किया श्रीमती सुनील देवी को, जिन्होंने कहा कि वह करतार सिंह के सामने वाले घर में रहती हैं। तकरीबन रात को 10:30 बजे उन्होंने देखा कि कोई सीढ़ियों में दौड़ रहा है। उन्होंने अपने पति को जगाया। उन्होंने जैसे ही मेन गेट का दरवाज़ा खोला, उन्हें करतार सिंह दिखे। करतार सिंह ने एक लाइट कलर की स्लीवलेस बनियान और एक कच्छा पहन रखा था।
जब उनके हस्बैंड ने करतार सिंह से पूछा कि क्या माजरा है, तो करतार सिंह ने कहा कि शायद नीचे कोई सांप है। श्रीमती सुनील देवी ने करतार सिंह के शरीर से एक स्पेसिफिक सुगंध मिली जो कि श्रीमती सुदेश के घर से भी उन्हें प्राप्त हुई। करतार सिंह ने अपने डिफेंस में एक बयान दिया, दो विटनेस भी पेश किए जिन्होंने करतार सिंह के वर्जन का समर्थन किया, कोर्ट की तरफ से भी दो विटनेस बुलाए गए थे। इन सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, समरी कोर्ट मार्शल ने ये पाया कि दफादार करतार सिंह गिल्टी हैं और उन पे जो सज़ा दी गई वो ये थी कि उनकी रैंक्स रिड्यूस कर दी जाएं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए और 7 महीने की रिग्रस इम्प्रिजनमेंट करतार सिंह को दी जाए। करतार सिंह इस फैसले को चुनौती देते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद ये मामला आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक स्पेशल बॉडी बनाई गए हैं जो कि कोर्ट मार्शल्स के डिसीजन के चैलेंजेस को सुनते हैं। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एविडेंस को फिर से एग्जामिन करता है। वह नोट करता है कि सुदेश जी, जिनके घर में करतार सिंह पर घुसने का आरोप लगाया गया है, उनके बयानों में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए ये प्रूफ तो हो ही नहीं सकता कि करतार सिंह ही घर में घुसे थे। ट्रिब्यूनल इसको कंसिडर करने के बाद जो कन्विक्शन है वो सेट असाइड कर देता है और 2012 में फैसला देता है कि करतार सिंह को वापस नौकरी में बहाल किया जाए, लेकिन उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट ना मिला जाए, यानी जो पिछली उनकी तनख्वाह नहीं मिली होगी वो नहीं मिलेगी, करतार सिंह को वापस नौकरी में रखा जाए। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी भी अकुटल के जजमेंट को तभी रिवर्स करना चाहिए जब बहुत सब्सटैंशियल और कंपेलिंग रीजंस हो। बहुत सब्सटैंशियल और कंपेलिंग रीजंस का मतलब कि ट्रायल कोर्ट ने जहां एविडेंस इग्नोर कर दिया है या एविडेंस को गलत पढ़ा है, या ट्रायल कोर्ट ने मटीरियल डॉक्यूमेंट्स जैसे डाइंग डिक्लेरेशन, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को कंसिडर नहीं किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुदेश जी के स्टेटमेंट में जो थोड़ी बहुत माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसको आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने काफ़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया। अगर आप सुदेश जी के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि वो सच बोल रही हैं, उनको करतार सिंह को फंसाने के लिए कोई मोटिव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि ट्रिब्यूनल ने बाकी ओरल टेस्टिमनीज को ध्यान से कंसिडर नहीं किया। सभी ओरल गवाहियों को सुनने के बाद, देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे पहुंचता है कि वो सब कुछ एक दूसरे को कॉरोबरेट कर रहे थे, और प्रोसिक्यूशन की जो थ्योरी थी कि करतार सिंह रात को 11 बजे के करीब सुदेश जी के घर में टॉयलेट के दरवाजे से घुसे, ये सही थी। सारे रिकॉर्ड को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल को कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं बदलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट भी ये होल्ड करता है कि दफादार करतार सिंह के खिलाफ कोर्ट मार्शल ने जो फैसला लिया था वह सही था, दफादार करतार सिंह को नौकरी से निकाल देना चाहिए। समरी कोर्ट मार्शल का फैसला रिस्टोर कर दिया जाता है, लेकिन जो सेंटेंस होता है करतार सिंह का वो लिमिट कर दिया जाता है उस पीरियड के लिए जिसके लिए वो ऑलरेडी जेल जा चुके थे। करतार सिंह को फौज की नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। द लिंक्स टू आर अकाउंट्स आर गिवन इन द नोट्स। द लिंक एंड साइटेशन टू द जजमेंट डिस्कस्ड इज ऑल्सो गिवन इन द नोट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक।